and welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all guys are doing good. And if you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे. तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके शेयर करूँगी. बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ दी मेरी शादी होने वाली है दिसंबर में और मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी स्किन के डार्क धब्बे रिड्यूस हो जाएं, मेरी स्किन थोड़ा सा गोरी हो जाए, ब्राइट हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे. तो मैं ये फेशियल लेके आई हूँ जो कि दही फेशियल है. तो आपकी शादी होने वाली है या फिर आपको शादी पार्टीज़ अटेंड करनी है तो आप ये फेशियल कर लीजिए. इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. अभी मैंने अपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल है. तो ये फेशियल करने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. तो फेशियल करने से पहले मेरी स्किन कैसी थी और अभी कैसी दिख रही है आप देख पाएंगे. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी स्किन का मैजिक फेशियल हम शुरू करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपने फेस को इस माइसला वाटर से क्लीन करूँगी. ये है पॉन्ड्स का विटामिन माइसला वाटर जो कि क्लेंस करता है, प्योरीफाई करता है और हाइड्रेट भी करता है हमारी स्किन को. और ये एलोवेरा का है और ये क्लिनिकली प्रूवन मेकअप रिमूवल है. तो ये बिल्कुल सेफ है आपकी स्किन के लिए. तो मैं एक कॉटन बॉल लेके इसको अच्छे से क्लीन, तो इस कॉटन बॉल से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी. याद रहे जब भी आप फेशियल करें तो अपने फेस को एक बार फिर से फेशियल करने से पहले क्लीन कर लें ताकि कोई अगर डस्ट है तो वो निकल जाए, जिससे आप जो भी फेशियल का को भी कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करेंगे या फिर होममेड या फिर आप मार्केट का भी, तो वो आपके डीपली स्किन में जाके आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करें. तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करें. तो मैं माइसला वाटर से कर रही हूँ. मैंने आपको घर पे भी बना के दिखाया था माइसला वाटर, या अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है. तो मैं इसके भी रिव्यू आपको जल्दी से शेयर करूँगी कि ये कैसा है मेरी स्किन के लिए, इसने कैसा वर्क किया है. तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो पूरा कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी. तो अभी मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है. आप देख सकते हैं कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है. तो अब मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो मेरे स्किन में डीपली अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो अच्छा सा रिज़ल्ट मुझे देगा. सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा. तो इससे मैं अपनी स्किन में थोड़ी देर मसाज करूँगी जिससे मेरी स्किन जेंटली अच्छे से क्लीन हो जाए और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट भी रहे. तो मैं बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इसे अपने स्किन में अच्छे से लगाऊँगी. और आपको अच्छे से इसको मसाज करना है, बस थोड़ी देर आपको मसाज करनी है, एक मिनट तक. तो एक मिनट तक मसाज हो चुकी है. तो मैं अपनी फेस को वॉश नहीं करूँगी, इसी के ऊपर मैं अपना दही और चावल के आटे का स्क्रब लगाऊँगी, यानी योगर्ट और राइस फ्लावर से, जिससे मेरी स्किन अच्छे से अंदर से क्लीन हो जाए. एक चम्मच राइस फ्लावर लूँगी. उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून दही. तो आपको घर का बना हुआ दही यूज़ करना है. इन केस अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो ही मार्केट का लीजिए, अदरवाइज़ घर का फ्रेश दही आप. तो मैं ये घर का बना हुआ 1 टेबलस्पून दही ले रही हूँ. ये बहुत अच्छे से जेंटली हमारे स्किन को क्लीन करेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्क्रब करेगा, जिससे हमारे स्किन की सारी डेड सेल्स निकल जाएंगी. तो जब आपकी स्किन की डेड सेल्स निकल जाएंगी तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी. और दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हाइड्रेट रखता है. तो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो अगर आपकी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो आपको दही रोज़ रात में आप जब भी फेस वॉश करें उसके बाद आपको चम्मच में दही लेके अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा लेना है. उसके बाद आप 5 मिनट बाद धुल दीजिए. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, जिससे आपको बिल्कुल भी ठंडी में ड्राइनेस नहीं फील होगी. तो मेरा स्क्रब अभी बन चुका है, इसके बाद मैं इसको अपने फेस पर लगाऊँगी. ये फेशियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये बहुत इजीली मैं कर लेती हूँ घर पे, जिससे मुझे मार्केट में पार्लर वगैरह में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत अच्छे से ये मेरी स्किन को क्लीन कर देता है. तो हमारे मोस्टली यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे डेड स्किन बहुत ज़्यादा होती है.
हमारे यहाँ पे चिन में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपको कभी कभी एक्ने की दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको रब करिए ताकि आपकी जितनी भी डेड स्किन है निकल जाए। यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ब्लैकनेस हो जाती है, अनइवन स्किन हो जाती है, तो वो भी आपको इस स्क्रब से क्लीन हो जाएगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप जब भी स्क्रब करें तो यहाँ पे इन कोने पे ज़रूर से ज़रूर स्क्रब करें, जिससे क्या होगा आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी दूर हो जाएगी। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सा ग्लो देगा, इंस्टेंट ग्लो। तो जब भी आप मेकअप करेंगे आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर लगा के अपने दाग धब्बों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इवन कर देगा। तो जो हमारी होती है ना कि यहाँ पे हमारा दूसरा कलर होता है, यहाँ पे दूसरा कलर होता है स्किन का, तो आपको ये बिल्कुल इवन लुक देगा, कहीं भी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे आपको दाग धब्बे या बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है और यहाँ पे ठीक ठाक है आपका चेहरा, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरा स्क्रब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसके बाद वॉश करूँगी अपने फेस को ताकि मेरा स्क्रब अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि दही से मैं एक पैक बना के लगाऊँगी बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं जो है आपको एक टोनर बना के दिखाऊँगी, जो मैं घर पे इस फेशियल के बाद वो टोनर अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा सा ग्लो मिलता है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा नेचुरली ब्राइट दिखती है। ऐसा लगता है कि जो मेरी टैनिंग है वो रिड्यूस हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो करती है मेरी स्किन। तो मैं अभी इसको वॉश करने के बाद आपको एक पैक बना के दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी टोनर। तो जल्दी से मैं इसको वॉश करके आप, तो मैंने अपने फेस को भी वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बाद ही मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरली क्लीन लग रही है, हाइड्रेटेड लग रही है। तो आप शादी पार्टी में कभी भी जाते हैं तो आप फेशियल जब कराते हैं पार्लर से, तो आपको वो लोग बोलते हैं कि जब भी आप पार्टी में जाएं तो 2-3 दिन पहले से ही फेशियल करा लें, तो आपकी स्किन पे ज़्यादा ग्लो आएगा। बट मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो नेचुरल हो और हमारे स्किन पर जल्दी से वर्क करे। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम ले या फिर ऐसा कुछ है, वो केमिकल होता है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी, अगर आपको कल पार्टी में जाना है तो आप आज कर लीजिए ये आपको स्टेप, ये सारे स्टेप आपको रात में ही करने हैं ये फेशियल, ताकि आपकी स्किन सोते वक्त अच्छे से रिपेयर हो जाए और ग्लोइंग भी बन जाए। तो मैं आपको ये आपको लेना है बस एक चम्मच दही अपने हाथों पे, उसके बाद आपको इसमें डालना है एलोवेरा जेल। तो मैं ये वाओ का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आपके पास अगर पतंजलि का है तो वो यूज़ कर लीजिए, फिर घर का फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ये देख सकते हैं कि इसमें एलोवेरा जेल भी मैंने ऐड कर लिया है। तो बस इसको, ये पैक हमारा रेडी हो गया है, आपको ऐसा नहीं बहुत सारी चीज़ें मिलानी, इन दोनों चीज़ को मिक्स करके। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मोटी मोटी क्रीम है दही में, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे स्किन के लिए, बहुत जेंटली हाइड्रेट करेगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगी और आपकी स्किन को एकदम ब्राइट बना देगी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे जल्दी से बताइए मैम हम ऐसा क्या लगाएं हमारी स्किन गोरी हो जाए, तो आप ये लगाइए, इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो आप इसको, अब हमारा ये पैक रेडी हो गया है, तो मैं इसको धीरे धीरे अपनी स्किन पर लगाऊँगी। तो इसकी जो क्रीम होती है और क्रीम में जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वही हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दही तो बहुत ही कमाल की चीज़ है और एलोवेरा जेल तो एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे ऐसे विटामिन्स मिनरल से भरा होता है, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपकी स्किन को इवन करता है, डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आपको डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको डार्क सर्कल के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा लगाना है। तो अगर आपको डार्क सर्कल की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मेरे एक वीडियो को देख सकते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था डार्क सर्कल के लिए, उसके वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम बहुत अच्छी रेमेडी थी, हमारे सारे डार्क सर्कल्स चले गए हैं और हमारे आँखों के नीचे बिल्कुल भी कालापन अब नहीं है। तो जो उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। तो ये एक तरीके से मसाज क्रीम भी है और पैक भी है, मैं इससे पहले मसाज करूँगी फिर इसे 10 मिनट तक भी स्किन में छोड़ दूँगी, जिससे ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए हमारी स्किन में। तो आपको नेक एरिया को भी अवॉइड नहीं करना है, नेक पे भी अच्छे से लगाना है। तो लोग मार्केट में पार्लर में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर देते हैं ये फेशियल वगैरह कराने के लिए, क्लीनअप कराने के लिए, बहुत सारे
मार्केट में आते हैं, ब्लीच आते हैं, ब्लीच तो बिल्कुल भी आपको कराना ही नहीं चाहिए। ब्लीच में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा, वो आपके स्किन को बिल्कुल अच्छा तो नहीं करता है और ख़राब कर देता है, तो आपको ब्लीच नहीं करना है। ब्लीच आप कराते होंगे तो आप देखते होंगे आपके फेशियल हेयर बिल्कुल कलर उनका बेकार हो जाता है, वो बिल्कुल एक गोल्डन कलर में हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब आपके हेयर के लिए, जो कि आपके हेयर डेड स्किन कहा जाता है, आपके हेयर के लिए इतना हार्मफुल है, तो आपकी स्किन तो जीती जागती है, लिविंग सेल्स हैं, तो वो सोचिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम करता होगा। तो बिल्कुल भी ब्लीच ना कराएं। तो मैं इसको 10 मिनट तक छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। आपको भी सिंपल यही करना है, उसके बाद हम टोनर लगाएंगे और हमारी एज़ यूजुअल नाइट क्रीम, दैट्स ऑल। बस इतना सा ही आपको स्टेप करना है, ज़्यादा भाग दौड़ करके आपको प्रोडक्ट और बहुत सारी चीज़ें अरेंज नहीं करनी है, बस सिंपल से स्टेप हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अपनी अब स्किन को वॉश कर लूँगी और ये मेरा अच्छा सा दही अब्जॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन पे, तो मैं वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मैंने अपने फेस को भी वॉश कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हाइड्रेटिंग इफेक्ट मुझे दिख रहा है। तो मेरी स्किन अभी नेचुरली ब्राइट हो गई है, मुझे अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लुक मुझे दे रहा है, मेरी स्किन अभी बिल्कुल बेबी सॉफ्ट वाली लग रही है। जब आप ये फेशियल करेंगे ना, तो आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो मार्केट के फेशियल से बचिए और घर के फेशियल करिए, ताकि ये आपकी लॉन्ग रन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अभी जो फेशियल क्लीन अप मार्केट से कराते हैं केमिकल वाले, वो अभी आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अभी एडल्ट हैं, पूरे अच्छे से हष्ट पुष्ट हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट आगे चल के जब आप 30s के होंगे, 40s के होंगे, तब आपकी स्किन पे वो ऐसा गंदा सा इफ़ेक्ट डालेंगे ना, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों से बचिए, आप घर के फेशियल करिए। और ये दही फेशियल तो है ही बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आपको भी बेबी सॉफ्ट स्किन चाहिए ना, तो ज़रूर से ज़रूर ये फेशियल करिए और आप देखेंगे कि कितना अच्छा इफेक्ट आपको इसने दिया है। तो इसके बाद अब मैं लगाऊंगी टोनर। तो मैं टोनर के लिए दो चीज़ें मैं यूज़ करी हूँ, वो है ये हमारा रोज़ वाटर। तो आप देख सकते हैं मेरा रोज़ वाटर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर लूँगी अपने हाथों में। ये आपको लेना है 1 टीस्पून। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो ये थोड़ा सा हमारा एलोवेरा जेल इसमें आ गया है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी, जो कि एक टोनर की तरह काम करेगा। तो अभी मेरा टोनर भी अप्लाई हो चुका है, तो ये ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर नाइट क्रीम लगा लूँगी। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, आज मैं इसको बिल्कुल नेचुरल ही रखूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें मेरी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाएं। तो आपके पास जो भी नाइट क्रीम आप यूज़ करते हो, वो नाइट क्रीम लगा लीजिए। उसके बाद आपका फेशियल हो गया है, अब आप एकदम रेडी हैं। इसके बाद आप सो जाइए आराम से, इसके बाद सुबह आपको ऐसा मैजिक देखने को मिलेगा ना आपकी स्किन पे, आप खुद देखते रह जाएंगे, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो इस फेशियल को करने के बाद मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइकिंग माई ऑल द वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। सो बाय, टेक केयर, और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए। ओके, बाय।